भारत चीन बॉर्डर पर लैंडमाइंस विस्फोट में झारखंड के शिव ठाकुर सोरेन की मौत हो गई है। विगत 13 जून को ही शिव ठाकुर सोरेन लद्दाख गए थे। साहिबगंज के लखीजोल में उसका शव पहुंचते ही पूरे गांव में मातम पसर गया। इक्कीस साल के शिव ठाकुर सोरेन विगत 13 जून को लद्दाख गए थे। सीमा सड़क संगठन ने झारखंड के मजदूरों को सड़क निर्माण के लिए बुलाया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विगत 13 जून को दुमका से ट्रेन को रवाना किया, जिसमें शिव ठाकुर सोरेन भी था, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ ही दिनों में उसका शव पहुंच गया। तो बता रहा है कि वो फोन से मेरा पापा का नाम पूछ रहा था, उससे बात कराइए। तो मेरा पापा तो आप नहीं रहे, वो भी नहीं है, एक साल भी बीते नहीं हुए हैं। तो हम बोले जो भी बात है सर, हम उसका लड़का बोल रहे हैं, बोलिए। तो बोले कि शिव ठाकुर सोरेन आप ही का भाई है जी। तब बोला कि बहुत दुख की बात है कि अब शिव ठाकुर दुनिया में नहीं रहे। और अपने जानकारी की बात वैसे ही जानकारी मिला, इस तरह हुआ, अचानक घटना घट गया और दुनिया में नहीं रहे। चंद्राय सोरेन, कब सूचना मिला इसका आपको? हमको सूचना परसों मिला है। परसों क्या बजे? 11 बजे के लगभग। 11 बजे दिन में? जी। ठाकुर सोरेन जी लोग को हम ही लोग यहाँ से SDO साहब, आपका उद्वा वीडियो और मैं खुद हरी झंडी देकर के यहाँ से रवाना किया था, और साथ साथ इन लोग को छोड़ने के लिए दुमका तक गया था। बहुत दुखद घटना है, बहुत दुखी है, और इसके परिवार के लोग को सांत्वना देने के लिए हम लोग कल ही आए थे, और अभी भी सारे SDO साहब, SP साहब, DSP साहब, थाना प्रभारी लोग सब लोग आ रहे हैं। और हमारे आगे मुख्यमंत्री साहब को भी हम लोग मैसेज के थे, मुझे तो पता था, वही पोस्ट किए हैं, और उनके परिवार को 12 लाख रुपया मुआवजा भी मिलेगा। पहले भी हम लोग बोले थे कि उसको भी ले जा रहे हैं, किसी तरह का घटना अगर हो जाता है तो मुआवजा मिलेगा, और उनको 12 लाख रुपया मुआवजा 4 महीने के अंदर दिलाना है। कोशिश करेंगे कि हम लोग 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीने के अंदर भी मुआवजा हम लोग दिला दें। बीते 16 जुलाई को पहाड़ तोड़ने के लिए बिछाए गए लैंडमाइंस में अचानक विस्फोट हो गया, जिसमें शिव ठाकुर सोरेन की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। वहीं मोहल्लापुर पंचायत के साल्टी पोखर निवासी विनोद हांसदा भी घायल हो गए। शिव ठाकुर सोरेन को शव को हेलीकॉप्टर से पटना लाया गया। पटना से एम्बुलेंस के द्वारा उनके पार्थिव शरीर को घर पहुंचाया गया। मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। यहाँ के निवासी हैं, जो सीमा सुरक्षा सड़क बन रही है लद्दाख, उसमें काम करने गए थे कुछ दिन पहले, और अचानक विस्फोट एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई है। इनका शव यहाँ आया है, अभी इनका दाह संस्कार होगा, और सरकारी राशि जो मुआवजा के रूप में मिलती है उनको दिया जाएगा, और हम लोग सब संतप्त परिवार के साथ हैं, इसे सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं। भारत चीन सीमा पर दोनों देशों के बीच तनाव चल रहा है। सीमा से सटे लद्दाख में तेजी से सड़क का निर्माण किया जा रहा है। सड़क निर्माण के लिए गए झारखंड के शिव ठाकुर सोरेन की दुर्घटना में मौत हो गई। ऐसी स्थिति में केंद्र और राज्य सरकार उसके परिजनों को पर्याप्त आर्थिक सहायता दे, जिससे इस गरीब परिवार का भला हो। सबरंग समाचार के लिए साहिबगंज से प्रीतम पांडे की रिपोर्ट।